सत श्री अकाल सारिआं नूं, मैं जसमीत भाटिया और मेरे नाल ने अज अर्शप्रीत कौर। सो अर्शप्रीत कौर, थोड़ी डिफिकल्ट सी प्रोफाइल, जो वारी रिफ्यूजल भी सी तुहाडी। हाँ जी सर, मेरी पहला अकैडमी ऑफ लर्निंग तो 2019 दे विच रिफ्यूजल सी, फिर मार्च 2020 दे विच दोबारा फाइल लगी सी। उस तो बाद 1.5 साल फाइल अंबैसी रही, तो कैनेडा कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज लगियां। AIP तो बाद दोबारा रिजैक्शन आई, आयल्स भी एक्सपायर हो गई, तो दोबारा मैं आयल्स दे विच स्कोर भी इनक्रीज़ किया, तो हूँ दोबारा 6 महीने बाद मेरा लैंडमार्क तो वधिया रिजल्ट आ गया मैनूं वीजा। सो लैंडमार्क बारे पहला कित्थों पता लगा? सर लैंडमार्क बारे कुछ तो मैं लाइव शो देखती सी, रोज वाला, दो साल तो देख रही सी, ते कुछ मेरी फ्रेंड का वीज़ा आया सी सर, सेम कोर्स सेम कॉल, ओदा भी प्रोफाइल इदा ही सीगा, पहला उन्होंने भी दो रिफ्यूजल सीगे मेरे वांगू। सो देखो तुहाडे दो रिफ्यूजल सी, पता की हुंदा जदों दो रिफ्यूजल आ जांदे ना बच्चे दे, ना बच्चा बड़ा डरदा तीजी वारी फाइल आ, सो कित्थों हिम्मत इकट्ठी कीती? सर दोबारा आई सी कीती, मतलब 3 साल हो गए। सो 3 साल की मेहनत है तुहाडी। हाँ जी, देखो लैंडमार्क तो एक जरिया बनया, देखो साडी कोशिश यही होंगी है कि जिन्हें भी रिफ्यूज केसिज है ना, मेरे को 3 बार 4 बार 5 बार 8 बार रिफ्यूज वाले का वीजा आता है। सर मैं थोड़े नाल लाइव कमेंट्स भी बहुत बार गल की है। ओके हाँ जी सर। सो पर तुसी हिम्मत बहुत रखी अर्शप्रीत, क्योंकि 3 साल का समा, 1.5 साल सर, पहली बार 1.5 साल फाइल रही एम्बेसी च, 3 सेमेस्टर होने तो बाद इंटर्नशिप के टाइम ते रिजेक्शन आ गई, आईएलटीएस भी एक्सपायर हो गई, फिर सर दोबारा भी हूँ 6 मंथ 7 मंथ हो गए। सो 2017 च है तुहाडी BCA? हाँ जी। सो 5 साल का एक्सपीरियंस है तुसी कह लोगे? हाँ जी एक्सपीरियंस 5 साल। सो 2017 पास आउट, 2 रिफ्यूजल्स, फिर भी अर्शप्रीत बहुत ज़्यादा हिम्मत इकट्ठी करके लैंडमार्क को लाए। नॉर्मली बच्चे ना गिव अप कर देते, देखो 2017 वाला ना ही ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, UK च भी दिक्कत है 2017 वाले नूं, बट कैनेडा एक्सैप्ट करता है। हुण कौन कॉलेज जा रहे हो? हुण सर सेंट क्लेयर मिसिसागा कैंपस है। सो सेंट क्लेयर कॉलेज जा रहे हैं जिहड़ा कि सरकारी कॉलेज है। सो सेंट क्लेयर कॉलेज का इन्हों का वीजा लग के आ चुका। अर्शप्रीत खुश तो बहुत, पूरी खुशी होनी ना। सो तुम कुछ कहना चाहोगे? तुम हस्बैंड हो, तुम भी होना, तो भी मेहनत है 3 साल की है। सो पर चलो मैं एक चीज दसा, लोग ना जो भुगाई है ना वो रिफ्यूजल लैके छड़ देंगे, आप इतने तक पहुँच गए। अपने हस्बैंड भी नाल पहुंचणगे भी जल्दी तुहाडे नाल, हैं, और लैंडमार्क नूं रिकमेंड करदे रहो, करोगे लैंडमार्क नूं रिकमेंड? जी सर जरूर, मैनूं तुहाडी वीडियोज़ तों भी बहुत मोटिवेशन मिलदी सीगी, रोज़ मैं रोज़ कमेंट दे विच गल करदी सीगी। सो अर्शप्रीत वांगू तुसी 2 बारी रिफ्यूजल लैके मेरे को ना आओ, पहली बार आओ, पहली बार वीजा लवावांगे, ठीक है? सो मैं बच्चों यही कहना, बच्चे ना की कहते हैं उदो मेरे को आए ना जो केस ना बड़ा कॉम्प्लीकेट हो चुका होंगे, सो कॉम्प्लीकेट ना करो अपने केस नूं। नॉलेज नहीं सीगी, फर्स्ट टाइम आपां यही प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्ट वाले सिस्टम दे विच फस गए सीगे, यही प्रॉब्लम है अपने ना बच्चों को पहला नॉलेज नहीं होंगी। सो बच्चे जो फाइल जमा करा देंगे, ईवन मेरे को 7 बैंड वाला बच्चा भी आता 72% वाला, वो भी जिम्मे फस गए उम्मीद फस जाते हैं। 2 बारी प्राइवेट कॉलेज के फस गए थे, 6 सीट होने के बावजूद कोई 5.5 नहीं सी। देखो बच्चे तुहाडे अर्शप्रीत दे 6 ईच सी, वो बावजूद भी 2 बारी इन्होंने प्राइवेट कॉलेज अपलाई किया। सो मेरी कोशिश यही तुम, मैं हर रोज़ गाइड करता कि गवर्नमेंट कॉलेज अपलाई करो, अच्छी यूनिवर्सिटी गाइड करो, अच्छे कॉलेज से गाइड करो, जो तुम पहली बार वीज़ा लेना चाहते हो। सारा दिन आप गूगल पर रहने, सारा दिन आप यूट्यूब पर रहने, सो जो अपलाई करना होंगे उदो आप पहली बार चैक करिए और पहली बार वीज़ा आए। उस टाइम सर नॉलेज नहीं सी। ओके सो अर्शप्रीत देखो ऑल इज़ गुड दैट एंड्स वैल, हूँ तुहाडे को वीज़ा आ गया, हूँ तुसी कैनेडा जाना, वधिया पढ़ाई करो, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो, PR लो, साडा कैनेडा च ऑफिस है, सो तुहानू कोई दिक्कत आती है तुसी उत्थे कॉन्टैक्ट कर सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू।